Assalamualaikum, welcome to my YouTube channel. आज की जो वीडियो है is about night dreams. लेकिन इससे पहले सब सब्सक्राइब कर लीजिए, जिन्होंने नहीं किया बेल आइकन का बटन दबा दीजिए, शुक्रिया. अच्छा जी, हम लोग ने नाइट ड्रीम्स कितनी देर यूज़ करनी है, किस तरह यूज़ करनी है, क्या पर्पज़ है यूज़ करने का, किस तरह यूज़ करने की हमें उसकी आदत ना हो. सबसे पहला स्टेप ये है कि हम लोग जब मूड होते हैं और अच्छी तरह टावल से मुंह साफ़ कर लेते हैं, हम फौरन उसके बाद नाइट क्रीम लगा देते हैं अच्छी तरह टावल से साफ़ करके. हम लोगों ने कभी भी ड्राई फेस पे नाइट क्रीम नहीं लगानी. आप लोग कोई भी रोज़ वाटर अप्लाई कर सकते हैं, कोई भी रोज़ वाटर अप्लाई कर ले, मरहबा का ले लें, जो भी आप लोग घर अवेलेबल है रोज़ वाटर बाजार से ले लें उस पर, या तो आप कोई भी मिस्ट अप्लाई कर सकते. ये तजमीली बहानिया की मिस्ट है, आपको इंस्टाग्राम के पेज से अवेलेबल हो जाएगी. ठीक है, आप इन दोनों में से क्या करेंगे, कोई भी मिस्ट लेंगे, कोई भी रोज़ वाटर लेंगे, अपने मुंह पे स्प्रे करेंगे तीन या दो, जितने भी आपको रिक्वायर हो. ठीक है, उसके बाद हल्की सी, अब ये मेरा मुंह थोड़ा सा डैम्प हो गया है, इसके ऊपर हम अब नाइट क्रीम्स लगाएंगे. ठीक है, अब बारी आ जाती है नाइट क्रीम कितनी अमाउंट में यूज़ करनी है. नाइट क्रीम हमने बिल्कुल थोड़ी अमाउंट में यूज़ करनी है, क्योंकि ज़्यादा नाइट क्रीम भी वही असर करेगी और थोड़ी नाइट क्रीम भी वही असर करेगी. बस फ़र्क ये होगा, ज़्यादा नाइट क्रीम यूज़ करने से आपकी स्किन बहुत वीक हो जाएगी, बहुत सेंसिटिव हो जाएगी, वेन्स बाहर आना शुरू हो जाएंगी, बहुत पतली लेयर हो जाएगी, कोई और चीज़ अप्लाई करेंगे रैशेज़ हो जाएंगे, पिगमेंटेशंस हो जाएंगी. इसलिए हमने नाइट क्रीम उतनी ही अप्लाई करनी जितनी हमें ज़रूरत है. ज़्यादती हर चीज़ की बुरी होती है, इसलिए थोड़ी ही अप्लाई करें. अच्छा जी, मैं जो नाइट क्रीम्स यूज़ करती हूँ, एक तो एवेंटॉन सी क्रीम है, ये मेडिकल स्टोर से आपसे 1350 की मिल जाएगी, एवेंटॉन सी क्रीम. ठीक है, जो दूसरी है फेयर एंड पिंक क्रीम है, ये आपको मेडिकल स्टोर से 570 की मिल जाएगी. अब देखते हैं कि हमने नाइट क्रीम कितनी यूज़ करनी है. सिर्फ हमने इतनी नाइट क्रीम यूज़ करनी है, इतनी. ठीक है, अपने पूरे फेस के लिए, अपनी नेक के लिए, अपने बाजू हाथों के लिए. हाथ पे रब किया, मुंह पे मिस्ट लगाई हुई है, अब हमने अपने मुंह पे लगा ली, गर्दन पे लगा ली, गर्दन के पीछे लगा ली, यही हाथ अपने हाथों में फेर लिया और बाजुओं में फेर लिया. ठीक है, दैट्स इट. इससे ज़्यादा हमने नाइट क्रीम्स नहीं अप्लाई करनी. ज़्यादा अप्लाई करेंगे तो आपकी क्रीम ज़्यादा जल्दी ख़त्म हो जाएगी, खर्चा आप लोग का डबल होगा, ऊपर से स्किन भी आप लोग की डैमेज हो जाएगी, इसका कोई फ़ायदा नहीं है. दूसरी बात आ जाती है, जो हम लोग अप्लाई करते हैं फाइजा क्रीम्स और गोल्डन पर्ल क्रीम, आप लोग अप्लाई करो, क्योंकि कुछ लोगों की ज़रूरत होती है अप्लाई करना. कुछ लोग कहते हैं हमारा इनके बगैर गुजारा नहीं है, हमने अप्लाई करनी ही करनी है, लेकिन हमने अप्लाई इस तरह करनी है, मिस्ट लगाओ और बहुत ही पतली सी लेयर लगानी है. हमने फाइजा क्रीम्स और जो भी लोकल क्रीम्स है, गोल्डन पर्ल्स वगैरह, हमने अपनी स्किन के अंदर एब्जॉर्ब नहीं करनी है. हम कोई भी मिस्ट यूज़ करेंगे, रोज़ वाटर यूज़ कर लो, मिस्ट यूज़ कर लो, हमने सिर्फ पतली सी लेयर अपनी स्किन के ऊपर लगानी है. जो मेडिकेटेड क्रीम्स होती हैं उनको हमने अच्छी तरह स्किन के अंदर एब्जॉर्ब करना होता है, और जो दूसरी लोकल क्रीम्स होती हैं उनको सिर्फ हमने ऊपर एक पतली सी लेयर लगा देनी होती है, जहाँ जहाँ हमने लगानी होती है. ठीक है, ये तरीका इस्तेमाल करने का, अगर हम स्किन के अंदर उनको कर देते हैं ना, तो हमारी अंदर से स्किन बहुत ज़्यादा डैमेज कर देती है और हमारी बहुत पतली सी लेयर आ जाती है. देखा होगा आप लोगों ने, जो लोग इस तरह लगाते हैं अंदर एब्जॉर्ब करते हैं, उन पिगमेंटेशन हो जाती हैं और पोर्स खुल जाते हैं और भी बहुत ज़्यादा मसले हो जाते हैं स्किन के. इसलिए जो लोकल क्रीम्स होती हैं, रोज़ वाटर स्प्रे करके लाजमी सिर्फ पतली सी आप लोगों ने लेयर्स लगानी है. ठीक है, अब बारी आ जाती है कि नाइट क्रीम हमने कितने दिन लगानी है, स्टार्ट करनी है और क्या क्या इसका प्रोसीजर है. देखो, जब आप लोगों ने नाइट क्रीम यूज़ करना शुरू करनी है ना, तो आप लोगों ने 20 से 25 डेज रेगुलर यूज़ करना है, क्योंकि एक महीने के बाद स्किन आपकी रिपेयर होती है. एक महीने से पहले आपको रिजल्ट नहीं मिलता, कोई भी आप लोग चीज़ लगा लो. ठीक है, आपने 20 से 25 डेज रेगुलर वो क्रीम इस्तेमाल करनी है. उसके बाद आप लोगों ने अगले महीने एक दिन का गैप डाल देना है, मतलब 7 डेज में से 6 डेज आप लोगों ने लगानी शुरू कर देनी है. उस दिन के बाद 5 डेज, उससे अगले महीने 4 डेज, फिर आपने 4 डेज पे स्टक हो जाने. वीक में सिर्फ 4 दफ़ा आप लोगों ने नाइट क्रीम्स लगानी है, इससे ज़्यादा अप्लाई नहीं करनी. इससे इसका यह फ़ायदा होता है कि हमें नाइट क्रीम्स की आदत नहीं होती और हमारी स्किन फ्रेश रहती है नेचुरली. ठीक है, जिस चीज़ की आदत अपनी स्किन को बना लोगे वो बहुत बुरी होती है, इसलिए हमने आदत नहीं होने देनी स्किन को किसी भी नाइट क्रीम की. वीक में 4 दफ़ा यूज़ करोगे, इससे आदत नहीं पड़ती. और जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है, आप लोगों ने नाइट क्रीम्स दो रखनी है, जिस तरह के मैंने एवेंटॉन सी क्रीम एक रखी हुई है और एक फेयर एंड पिंक रखी हुई है. एक दिन मैं ये अप्लाई करती हूँ, दूसरे दिन मैं ये अप्लाई करती हूँ. वीक में 4 दफ़ा, 4 दफ़ा नहीं तो 3 दफ़ा तो लाजमी आप लोग अप्लाई कर लें. ठीक है, क्योंकि हमने इसलिए दो रखनी है, देखो कोई भी ब्रांड कभी भी ब्रांड बंद हो सकता है, उसके बाद कोई भी शॉर्टेज हो सकती है, जहाँ आप रहते हो वहाँ पे क्या पता क्रीम अवेलेबल कुछ देर के लिए ना हो, मतलब
मिलना बंद हो जाती है कुछ टाइम के लिए एक चीज़, ठीक है, इसकी वजह से आप लोग की स्किन को असर नहीं होगा। देखो एक क्रीम अगर मिलना बंद हो जाएगी दूसरी क्रीम तो अवेलेबल है ही ना, और आपकी स्किन को किसी चीज़ की आदत भी नहीं है, तो इसलिए फिर आपकी स्किन को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जिनको एक क्रीम की आदत हो जाती है फिर वो यूज़ नहीं करती या किसी मसरूफियत की वजह से कहीं चले गए, किसी टूर पर चले गए, कोई फैमिली गैदरिंग्स वगैरह हो जाती हैं, ईद हो जाती है, मसरूफियत हो जाती है, हम नाइट क्रीम्स नहीं लगाते तो हमारी स्किन पे पैचेस बनना शुरू होते हैं। पैचेस इसलिए बनते हैं, स्किन वीक इसलिए होती है, पिगमेंटेशन इसलिए होती है, कभी मोस्टली केसेस में छाइयाँ भी पड़ना शुरू हो जाती हैं कि हम लोग आदत बना लेते हैं एक क्रीम को और जब वो यूज़ नहीं करते तो हमारी स्किन का बेड़ा गर्क हो जाता है। इसलिए आदत नहीं बनानी किसी क्रीम को, वीक में 4 से 3 दफ़ा सिर्फ यूज़ करें रोज़ वाटर अप्लाई करके, दैट्स इट। इस तरीके से आप लोग अगर अप्लाई करेंगे तो आप लोग की स्किन डैमेज नहीं होगी, आप लोग को आदत नहीं पड़ेगी। अगर आप लोग लगाना भी छोड़ देंगे, मोस्टली क्या होता है कि एक दफ़ा लगा रहे हो क्रीम, रेगुलर आप लोग लगा रहे हो तो एकदम छोड़ देते, एकदम डलनेस आ जाती है, इससे आप लोग की स्किन में डलनेस नहीं आएगी। आप लोग करके देख लेना इस तरह 25 डेज मुसलसल, फिर 5 दिन लगाओ हफ्ते में, फिर 4 दिन लगाओ, फिर 4 दिन पर स्टक हो जाओ। जब स्टक हो जाओगे आप लोग महीना भी बेशक गैप दे दोगे ना, अगर महीना आप लोगों ने गैप देना है तो तब भी आप लोग की स्किन डल नहीं होगी। कोशिश करो कि 15 दिन से ज़्यादा गैप ना दो। अगर एक बार 25 डेज लगा रहे हो और फिर बाद में 4-4 डेज कर रहे हो गैप देना है, तो 15 डेज का गैप आप लोग दो और उसके बाद दोबारा स्टार्ट कर लो, ठीक है। मुसलसल एक चीज़ लगाने से स्किन को आदत हो जाती है, कोशिश करो स्किन को आदत नहीं डालो। लेकिन नाइट क्रीम्स लगाना सबकी ज़रूरत है, सबको अपने आप को ग्रूम करना चाहिए, अच्छा लगना चाहिए, इसमें कोई बुरी बात नहीं है कि नाइट क्रीम्स क्यों लगा रहे हो, नाइट क्रीम जिस तरह की क्यों लगा रहे हो। काफ़ी लोगों को एतराज़ होता है कि हम नाइट क्रीम्स नहीं लगाते, मतलब ये अच्छी चीज़ नहीं है, जो भी है। लेकिन देखो ग्रूमिंग करना और अच्छे लगना सबका हक है, ठीक है। अगर अपने आप को अच्छा लगना चाहिए तो हमें नाइट क्रीम यूज़ करनी है, उसके लिए स्किन फ्रेश हो जाती है, स्किन ग्लो करती है, ठीक है। अगर आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक भी कर दीजिएगा, सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।